हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हम एम एस एट के ऊपर अपने पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं और पूरा यूनिट वाइज भी हम वीडियो बना रहे हैं, तो क्योंकि एम एस एट में जो है एमबीए के इग्नू में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, स्टूडेंट को बहुत टाइम लग रहा है, तो उसी के लिए हम जो है मेहनत कर रहे हैं और हम जो है अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेके मैं आया हूँ यहाँ पे जो एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, एग्ज़ाम में इतने ये आप सब स्क्रीन के ऊपर इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसमें जो है दूसरी चीज़ पूछा लेकिन क्वेश्चन दूसरी तरीके से आया। मैं वो क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिखाया हुआ हूँ, उस क्वेश्चन सोल्व करके इस तरीके से आएगा, लेकिन सबसे पहले आप देख लो, ये जो है एम एस एट की यूनिट टू के पेज नंबर 29 पे है। तो जब आप पेज नंबर 29 खोलोगे तो इसमें एक्स जो है उसने लोन लिया है 3250 रुपये का, और वो पहली इंस्टॉलमेंट जो है फर्स्ट में जो है वो 20 रुपये पे कर रहा है, और फिर उसमें हर महीने जो है 15 रुपये बढ़ा दे रहा है, तो उसको लोन चुकता करने में कितना टाइम लगेगा। तो जैसा कि हम जो है अभी मैंने यूनिट को आप देख सकते हैं, यूनिट टू की जो मैंने क्लास ली है उसमें ये एक एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसका फार्मूला होता है ना, जो टोटल अगर निकालना है ऐसा, मतलब टोटल योग जितन एन, मतलब एन जो टर्म्स है उनका योग कितना होगा, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन माइनस एन जो है जितने नंबर्स का योग होना है, ए जो है पहली टर्म है, फर्स्ट जो टर्म आती है, जो जहाँ से शुरुआत होती है वो है एन, फिफ्थ जितने इंस्टॉलमेंट उसको लगेंगी, और डी जो है दोनों के बीच में अंतर, अंतर इसमें दिया है 15, एन कितना है 15, क्योंकि 15 जो है 15 रुपये जो है हर हर उसमें बढ़ाता जा रहा है, और फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है उसकी 20 है, ए कितना हो गया 20 है, तो एन हमें पता करना है, और एस एन दे दिया कि टोटल योग कितना उसने लिया है, पे कितना करना है उसको 3250। तो जब इसको कैलकुलेशन करेंगे, इसमें हर एक का वैल्यू रख दिया, 3250 इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए, ए की जगह 20 रख दिया क्योंकि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 20 किया है, इंटू एन माइनस वन इंटू डी, तो एन में एक फार्मूला आ गया 15n² + 25 - 6500। तो क्योंकि एक द्विघात समीकरण है, इसको हिंदी में द्वि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, द्विघात समीकरण, तो इसकी जगह अगर हमें एन की वैल्यू निकालनी है तो माइनस एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो -b² - 4ac/2, -b + -b² - 4ac/2a होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स की जगह एन है तो एन की वैल्यू, तो इसमें जब बी बी के ए इसकी वैल्यू क्या हो गई, ax² ए ये हो गया, बी ये हो गया, और सी ये हो गया -6500, ठीक है। तो ए बी सी की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, इसमें रखेंगे तो कभी भी जो है ऋण जो है तो दो वैल्यू आती है, एक 20 आ गई एक आ गई -21.66, तो माइनस में कभी भी जो है ऋण चुकता नहीं कर सकते, तो इसका मतलब 20 जो है एक सही वैल्यू है, ठीक है, पॉजिटिव इंडिकेटर है, तो 20 मंथ में जो है वो उसको इंस्टॉलमेंट को पूरा करेगा। लेकिन जो क्वेश्चन आया है वो इस तरीके से आया है एग्ज़ाम में, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ये, कि जो है टोटल सम जो है उसको पे करना है 8850 रुपये, और पहली उसने जो फर्स्ट में पेड किया है वो 15 एन दे दिया उसको कि 15 इंस्टॉलमेंट में इसको पे करना है, और जो है वेद उनके बीच का जो डिफरेंस है डी वो 10 है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से अगले इंस्टॉलमेंट में 10 बढ़ता रहेगा, फिर 10 बढ़ता रहेगा, फिर 10 बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, तो इसने बोला कि फर्स्ट और लास्ट इंस्टॉलमेंट कितने की होगी, तो एस एन दे दिया 8500, एन दे दिया कितनी इंस्टॉलमेंट 15, डी दे दिया दोनों के बीच में डिफरेंस कितना 10, तो हमें ए का वैल्यू निकालना है, तो फार्मूला क्या है इसका, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो एन का पता है 15, 15 रख दिया, ए का पता नहीं है, सेम टू सेम छोड़ दिया, एन का पता है 15, डी का पता है 10, इधर वाली इक्वेशन पूरी होगी, एस एन का पता है ये, तो इसी तो ये जो है इधर मल्टीप्ल डिवाइड का है तो इधर जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1710 हो गया, इस साइड का क्लियर हो गया, इधर सिर्फ 15 बच गया, ये 2a + 15 में से एक गया 14 × 10 140 आ जाएगा, इधर वाले 140 हो गए, ये 2a ऐसे रहा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई का इधर जाएगा तो डिवाइड का हो जाएगा, यानी कि 17100 / 15, तो ये हो गया 1140 इजिकल टू ये 2a + 1140, ये 1140 इधर माइनस प्लस का है, तो जब इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 2a = 1000, 2a = 1000, तो ये कितना हो गया 500, ये क्या हो गया, मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी होगी उसकी 500, आपको इसी तरीके से करना है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी होगी 500। अब हमें लास्ट इंस्टॉलमेंट निकालना है, लास्ट इंस्टॉलमेंट का मान लिया अगर आपको एन वो इंस्टॉलमेंट निकला, जित मान लिया एन मतलब 15 होगी, 10 में मान लिया कंप्लीट हो रहा, तो मान लिया एन वो हमें निकालना है, तो एन में मतलब तो एन मतलब 15 है, यहाँ पे 15 टर्न इंस्टॉलमेंट में पूरा करता है, तो लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट कितनी होगी टी एन, 15 = a + n - 1 × d, ए कितना है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 500 प्लस 15 वे टर्म को हमें पता करना है, 15 - 1 × d, d कितना है 40, तो ये हो गया
140, 14 × 10 140, और 500 में 140 जोड़ेंगे तो 640, तो लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट होगी 640, पहले वाली इंस्टॉलमेंट होगी कितनी 500। हर इसके बीच में कितने का अंतर आ रहा है, 10 का बढ़ता जा रहा है। कितने इंस्टॉलमेंट में वो लोन क्लियर करेगा, 15। तो ये इसका जो है क्वेश्चन नंबर 2 है। हम इस तरीके से एक क्वेश्चन पहले भी किया जो एग्ज़ाम में आया हुआ है, वो MS8 की प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। इन सबको सोल्व करने में, राउट सॉर्ट आउट करने में कि कौन से क्वेश्चन आए हैं MS8 के स्टूडेंट के लिए, तो इसमें बहुत ही मेहनत लगता है। तो कम से कम यार लाइक करोगे तो ये MS स्टूडेंट जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके पास ये वीडियो जल्दी पहुँचता है लाइक करने से। जो इग्नू के स्टूडेंट हैं जो इस जिसको MS8 में प्रॉब्लम आ रही है उनके पास जल्दी पहुँच जाए, तो प्लीज़ यार कम से कम लाइक तो कर दिया करो वीडियो को, ताकि इग्नू के स्टूडेंट की हेल्प हो जाए। जब मैं आपकी इतनी हेल्प कर रहा हूँ तो लाइक करके दूसरे स्टूडेंट को भी इसका बेनिफिट्स मिले। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करो, ताकि अगली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको तुरंत आपको पास मिल जाए। आप बेल आइकन को पक्का प्रेस करें, जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा MS8 के ऊपर बाकी, तो वो आपको सबसे पहले मिलेगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि ये वीडियो इग्नू के मैक्सिमम स्टूडेंट के पास जाए और वो इसका फ़ायदा उठाए। थैंक यू।